नमस्ते भैया, मैं भोजपुरी नमस्ते। कलेक्शन न्यूज चैनल से बोल रहा था। मैं पंकज विश्वकर्मा मुंबई से बोल रहा था। भैया, हमारी बात है राइटर प्रफुल्ल तिवारी भैया, सॉरी ना हाँ जी। भैया जी, भैया, आपका स्वागत है चैनल में हमारे। धन्यवाद जी भैया, जी। अपने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का सूर्यवंशम फिल्म जो कि ट्रेलर रिलीज किया गया, और उसी में ही एक गाना जो कि आपका लिखा हुआ अखिया के नासा, जो कि रील्स भी काफी बना और ट्रेंड भी किया गाना, और काफी बेहतरीन लोग पसंद भी किए। उसी के डिमांड पे आज फुल वीडियो सॉन्ग भी रिलीज हुआ, जो कि पवन जी और एक नई सिंगर जो कि काफी बेहतरीन आव्या आवाज दुबे। भी है, आव्या दुबे, जो कि बहुत बेहतरीन आवाज भी है, जोड़ी पसंद भी की जा रही है। तो भैया, आपका लिखावट भी है और रजनीश मिश्रा जो कि म्यूजिक दिया गया है, तो भैया आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं भैया? सारा तो आपने कह ही दिया, यही बात है। गाना रिलीज हुआ है और काफी पसंद किया जा रहा है, तो हमारे लिए खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है जी जी भैया, भैया जी। इस वीडियो में देखा पवन जी और आस्था सिंह जो कि नई नई एक्ट्रेस से पहली बार काम की है फिल्म में, भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो देखा जाए, जिस हिसाब से पवन जी उस वीडियो सॉन्ग में एक देहाती टाइप का लुक दिखाई दे रहा है और काफी बेहतरीन दिख रहे हैं पवन जी। हाँ, वो फिल्म की स्टोरी ही वैसी ही है, मतलब देहाती देशी। टाइप है, हाँ, वही किसान हाँ, अपने वो वगैरह वाली किसान हुआ, जो फिल्में यस यस, होती हाँ हैं वैसी ही है हाँ बिल्कुल। मतलब भोजपुरी की जो बिल्कुल रियल वाली चीजें होनी चाहिए तो जी 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 वो है उसमें। क्या जी है भैया, कि भोजपुरी में एक बार को बिल्कुल ही गांव वाली ही चीजें चल रही थी, फिर उसके बाद बीच में एक ऐसा टाइम आया कि भोजपुरी से गांव ही गायब था। जी जी हाँ, बिल्कुल भोजपुरी बिल्कुल से भैया, मतलब भोजपुरी फिल्म के अंदर से भोजपुरी का जो ओरिजिनल होना चाहिए वही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अभी भैया, ये जो फिल्म है ये टेक्निकली भी उस लायक है कि आप देख सकते हैं, और कहानी भी वो गांव वाली है। उन चीजों को बड़ा बेहतर कंपोज्ड तरीके से उसको बनाया गया है और ये तैयार जो किया कि गया है। हाँ, जो कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है रजनी मिश्रा, उनके डायरेक्शन में काफी फिल्म बहुत अच्छी होती होती है। बिल्कुल। जी भैया, भैया देखा जाए तो ये तो एज ए देखा जाए तो सिनेमा में रिलीज हो रही है 30 तारीख से, और ऑल इंडिया में रिलीज हो रही है फैमिली के साथ, जो कि एक देखा जाए फैमिली एज अ फिल्म है ये, पवन जी का फैमिलियर फिल्म। बिल्कुल, देखते हैं, पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, वैसे फिल्म बनाई ही गई है। जी भैया, भैया आप फर्स्ट टाइम गाना लिखे, इतनी बेहतरीन और इतनी प्यारा सॉन्ग हो, जो कि एक छोटे से ट्रेलर में से गाना नहीं, वायरल होती है। फर्स्ट टाइम तो मैंने नहीं लिखा है, इसके पहले नहीं, भी मैं पवन लिखा। जी का, जी हाँ, उनकी फिल्म का फर्स्ट जी टाइम जी है। पवन जी का, पवन जी का ही, नहीं तो वो हाँ तो हाँ उनके तो गाने मतलब वैसे भी बहुत लोग पसंद करते ही हैं, उनका गाना जी तो चलता ही है, तो जी जी ऐसा तो हाँ ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि अब उनके लिए लिखना है तो अच्छा लिखना ही होता है। चीजें हैं ऐसी कि आप थोड़ा अच्छा आप लिखें, थोड़ा उनका अपना वो लग जाए। म्यूजिक है रजनीश भैया जी का तो उनकी बात जी ही अलग है, तो सारी चीजें जब मिलेंगी मिलती हैं तो तब जाके कुछ अच्छा बन पाता है। जी जी भैया, आज मैंने एक पोस्ट देखा, झंड जी तो आप देखे होंगे, जो कि एक ये यूट्यूबर हैं क्या नाम आप, बताए, झंड जी, झंड जी, पता नहीं जो कि कौन। वो जिसे रिव्यू देते हैं गाने को लेकर, हाँ, तो उन्होंने एक पोस्ट किया सुबह में, मैंने देखा फेसबुक पे उनके आईडी पे, कि रितेश पांडे जी जो आसरा फिल्म था उन मटिया के मुहूर्त बा, तो वो क्या लिखे मटिए थे मटिया के, मटिए में सोना बा। हाँ सॉरी, मटिया के सोना भैया से, मटिया के सोना बा, तो उन्होंने ये भी लिखा कि रितेश पांडे जी का गाना पवन जी ने गा दिया। अब देखिए, जिसको नहीं पता हो है ना, हाँ, जिसको कुछ नहीं पता होता है उसे लगता है कि उसको बहुत ज्यादा पता है। हाँ, तो यही चीजें हैं मटिए में सोना बा का जो है, हाँ और इस गाने का मुझे हाँ नहीं लगता है कि कोई उस तरह का कनेक्शन है हाँ ना।
अब पता नहीं उनको कहाँ से लग रहा है कि वही गाना है, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। और दूसरी बात है कि अगर उन्हें लग रहा है तो हो सकता है कि वो पवन सिंह से बड़े हों, वो रजनीश मिश्रा से बड़े हों, वो निशांत उज्जवल से बड़े हों, इन लोगों से ऊपर लेवल के वो बहुत बड़े कोई जानकार होंगे, बहुत बड़े कोई ये होंगे जिन्हें सारी बातें पता होंगी। हाँ, तो अब मैंने कहने का मतलब ये है कि गाने का जो हुक लाइन है अगर उसका कंपोजिशन उसके जैसा है, जबकि मटिये में सोना बा गाना भी वन एंड ओनली नहीं है, उसके पहले भी ये कंपोजिशन एक तरीके से हुक लाइन का जो कंपोजिशन है वो एक तरीके से ट्रेडिशनल है। जी जी बिल्कुल। अब उस देखिए, आप गाना चाहे कभी भी बनाए, आप चाहे कितने भी बड़े मेकर हो, ट्रेडिशनल जो धुन होता है उसका सहारा सभी लेते हैं, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। बाहर आप कुछ बना ही नहीं सकते, बनाते ही नहीं, बनता ही नहीं, राइट? जी 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 अब जी अगर उसको लेके कुछ बनाया गया है, हाँ, तो चाहे वो मटिये में सोना बा है, चाहे वो अखिया में नशा बा, यस, है ना, हाँ, दोनों ही चीजें उसके इर्द गिर्द अगर है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मटिये में सोना के ऊपर ये गाना बना हुआ है। अब बाकी क्या ही कहेंगे जिसको अब ज्यादा जानकारी हो, अगर इन सभी मेकर्स से ज्यादा जानकारी झंड जी को हो तो झंड जी नाम से ही लग रहा है कि कितने बड़े मतलब क्रिटिक हैं, बहुत बड़े कोई वो हैं, है ना, अब तरण आदर्श हैं वो, क्या ही बोलेंगे उनको। और भैया ये भी कमेंट किए थे बहुत लोग फैंस, मैंने देखा भी, भाई आप बस विवाद के लिए ये सब करते बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या दूसरी कमेंट बात किया? एक और सुनिए, हाँ, मटिये में सोना बा मेरे भाई का लिखा हुआ है आशुतोष तिवारी का, जी जी बिल्कुल और अखिया में नशा बा प्रफुल्ल तिवारी का लिखा हुआ है। बिल्कुल अगर बिल्कुल किसी को ये लगता है कि उसको कॉपी कर लिया गया या इसको कॉपी कर लिया गया तो लगे ठीक है, वो भी जो है वो भी मेरा ही है, मटिये में सोना बा मेरे भाई का है तो मेरा है, और अखिया में नशा बा मेरा है तो मेरे भाई का है, भाई का है, सीधी सी बिल्कुल बात है। अब जिसको जो लगना है लगे, जिसको जो करना है करे, यहाँ तो बनाना कुछ है नहीं, सिर्फ फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करना है और अपने व्यूज के लिए किसी पे भी कुछ भी उंगली उठा देनी है तो करें। बिल्कुल 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 वही, एक कमेंट बार कर रहे थे। सुनिए, कोई झंड झुंड जो भी है, हाँ, एक बार बोलिए पवन सिंह का एक गाना प्रोड्यूस कर लेने के लिए, सारी झंडगिरी अगर बाहर नहीं निकल गई है ना, उसके हाँ, बाद वो पूछेंगे। एक सिंगल गाना पवन सिंह का एक बार वो बना के रिलीज करके दिखा दें अपने दम पे, बिल्कुल बिल्कुल, सारा सारा का सारा ये समीक्षक बनना निकल जाएगा, कुछ भी बिल्कुल कहने से हो जाता है। नहीं 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 भैया, मैंने सुना भी भैया पूरा गाना, मैंने सुना रितेश पांडे भैया का और पवन जी का, बहुत डिफरेंट है, बहुत, मतलब अरे कि बहुत कोई ही प्यारा। कोई कोई कनेक्शन ही नहीं है, बस हुक हाँ लाइन का वही बोला, कंपोजिशन दोनों का ही ट्रेडिशनल है, हाँ हाँ ट्रेडिशनल है, यस यस ये ट्रेडिशनल है। भोजपुरी का ट्रेडिशनल है। इस फिल्म में मेरा एक और भी गाना है, वो भी ट्रेडिशनल है, आप वो भी ट्रेलर में था, आपने अगर सुना हो हाँ हाँ तो। अब कहने को कुछ भी कहा जाता है, चलिए अब वैसे भी जी जी ऐसी बातों बिल्कुल पे इतने देर तक बात नहीं करने का मतलब होता है। जी और बिल्कुल भैया, और थैंक यू भैया आप समय दिए और काफी बेहतरीन गाना भैया, एक भैया लाइन हो जाए भैया इसी गाने का, थोड़ा भाई मैं गाता नहीं हूँ नहीं यार, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस बता हाँ कैसा लाइन है थोड़ा बता दीजिए फीमेल बस। वाला लाइन है कि जी भंगिया से बढ़ के हमरा अखिया में ना साबा, वो मे लाइन, तबेनु बिगड़ले हमरा दिलावा के दासाबा, वाह, यही। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन गाना है भैया, ऐसा लगता है ना ये सुनने बाद ना आंखों में वो एक पानी आने लगता है, दिल में एकदम वो हो जाता है उस अरे धन्यवाद भाई, जी भैया। और ऐसे ही चलिए भैया, बिल्कुल। भैया हम एक गुजारिश करना चाहेंगे आपके, भैया भैया आपका मंथली में या फिर वीकली में एक गाना आना चाहिए सैड सॉन्ग भैया पवन जी के साथ में, यही आपसे बस थोड़ा निवेदन है भैया। अरे चलिए, आपके इस बात पे भी होगा कुछ ना कुछ, करते हैं,
जी भैया, मनाई बस जाएगी, कुछ चीजें क्योंकि इतनी होंगी, बेहतरीन बनाएंगे ऐसा गाना, आवाज। भी बनेगा बनेगा ऐसा गाना। जी भैया, बस यही मैं बात कोशिश रहेगा करता हूँ भैया आपसे। प्रोड्यूसर्स जो हैं उन लोगों से। हाँ ठीक है भाई, भैया बिल्कुल ये 30 तारीख होगा। को फिल्म रिलीज हो रहा है, इस 10 के बारे में क्या कहना चाहते हैं भैया फिल्म को लेकर, सिनेमाघरों में रिलीज हो रहा है ऑल इंडिया में ये? हाँ तो ये तो हमारा सभी से आग्रह रहेगा, जितने भी भोजपुरी वाले हैं, ऑडियंस हैं, जिन जो भी भोजपुरी सुनने देखने वाले लोग हैं, तो सभी से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि एक बार देखें। और बिल्कुल जिस बदलाव की जरूरत थी भोजपुरी इंडस्ट्री में वो हुआ है। जिस तरह की फिल्में आप चाह रहे थे तो वैसी फिल्म बनाई गई है। एक बार बिल्कुल देखेंगे तो निराश नहीं होंगे, ये गारंटी है। बस ये आग्रह है कि एक बार जाकर देखें तो सही पहले कि अब क्या बनाया गया है, पहले जो भी चीजें बनती थी उनमें और अभी में क्या अंतर है वो बिल्कुल समझ बिल्कुल में आएगा। बस जी भैया, ये धन्यवाद, आप बहुत बहुत समय दे दिए, आप बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वेलकम भाई। थैंक यू सर, ठीक है। वेलकम सर।